सवाई माधोपुर के बौली से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शादी का झांसा देकर युवती से देह शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू की। पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू की। सवाई माधोपुर के बौली से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। शादी का झांसा देकर युवती से देह शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सवाई माधोपुर के बौली से बड़ी खबर। शादी का झांसा देकर देह शोषण का मामला दर्ज करवाया गया है। पीड़िता के पिता ने रिश्तेदार के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर जांच इस पूरे मामले में शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक रिश्तेदार के खिलाफ पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया है। अब इसकी कितनी सत्यता है ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। मेडिकल जांच हालांकि पुलिस ने पीड़िता की करा दी है और पूरे मामले की तफ्तीश फिलहाल की जा रही है। क्या आखिर पूरा मामला है। शादी का झांसा देकर युवती से देह शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मेडिकल करवा लिया गया है पीड़िता का और जांच पुलिस कर रही है पूरे मामले की। बड़ी अपडेट सवाई माधोपुर के बौली से। पीड़िता के पिता ने रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और इस मामले की कितनी सत्यता है, जिस प्रकार से आरोप पीड़िता के पिता की ओर से लगाए गए हैं, ये पुलिस जांच कर रही है। क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है उसके बाद ही सब क्लियर हो पाएगा कि आखिर कौन दोषी है इस पूरे मामले में। लेकिन सवाई माधोपुर के बौली से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मेडिकल पीड़िता का पुलिस की ओर से करवा दिया गया है और पूरे मामले में जांच पुलिस की ओर से की जा रही है।